Hello everyone, welcome to Testbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss Kothari Commission. As you know very well, ek question yahan se banta hi banta hai. Higher education ka most important or evergreen topics mein se mana jata hai. So first of all, I will tell you ki what are the concept, kya kya recommendation tha, kab ye aaya tha, kisne diya tha, और उसके बाद मैं रिलेटेड इसकी क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को ये भी पता चले इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे कैसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं. सो आई होप ऑडियो वीडियो पीपीटी सब कुछ फाइन है सारे स्टूडेंट्स को. तो फटाफट एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है. नो डाउट सेशन आपका प्रीमियर है, बट यहाँ पर सेशन आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो सेशन को ये मत लाइट में लेके जाना कि प्रीमियर है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है. जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों को कोई भी लॉस ना हो, आप लोगों को कोई भी क्लासेस के कॉन्टिन्यूटी के अंदर फ्लो खत्म ना हो, दैट्स वाई ये सेशन प्रीमियर हुआ है जी. सो जो भी नए स्टूडेंट हैं, मेक श्योर जो मेरे फ्री क्लासेस के टाइमिंग है 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास टेस्ट बुक ऐप पे है. तो आप लोग ये दोनों क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, दोनों का बेनिफिट उठा सकते हैं. सो आई होप सभी को ऑडिबिलिटी सब कुछ ओके है. बाकी जिसने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, एट द रेट प्रीति पेपर 1 से आप सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसमें आपको इम्पोर्टेंट सेशन के लिंक, इम्पोर्टेंट अपडेट, किसी क्लास में रीशेड्यूलिंग होता है वो सारा अपडेट आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा. और इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, इनकेस कोई भी आपकी क्वेरी आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना जल्दी आपको रिप्लाई कर पाऊँ. गुड. सो छोटा सा मोटिवेशनल कोड, हालांकि हमने लास्ट वीक भी स्पोर्ट को किया था. तरक्की का रास्ता एक ही है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है. तो अगर आपको आगे की तरफ जाना है तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा, ठीक है. अच्छा हुआ बुरा हुआ, बस जो चीजें हुई हैं उससे आगे सीखिए और उसके साथ साथ अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाइए. और प्रेजेंट अच्छा है तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा है. तो तरक्की अगर करनी है तो पीछे गलतियों से सिर्फ सीखने के लिए देखना है, ना कि उनके ऊपर दोबारा से इसी रिग्रेट में बैठे रहना कि पहले ये होता तो ये हो जाता. होता तो ना, हुआ तो नहीं, तो बस आप लोग आगे की तरफ देखिए. गुड. सो कैन वी स्टार्ट द सेशन? आई होप एवरीवन इज रेडी. तो 10 मिनट में छोटा आपका लूंगी जहां पर मैं आपको थ्योरी थोड़ा सा करवाऊंगी, क्योंकि बच्चे थ्योरी डिमांड करते हैं, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी. और ये पेपर 2 के टाइमिंग्स हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं. जिसका भी पेपर 2 है प्लीज मेक श्योर आप इसको नोट कर लें. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो टॉपिक है हमारा कोठारी कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है. सो एक एक लाइन 10 यहाँ पर आप लोगों को लाइन दिखती है, तो 10 लाइन से ये लगा लीजिए कम से कम 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके. तो सबसे पहली चीज आती है कोठारी कमीशन, जो था आपका एक एडहोक कमीशन था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था ऑन 14th of July 1964 को. ये सेटअप किया गया था और 1966 तक ये वर्क किया था. पहला क्वेश्चन आपसे यही बना जाता है और आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका ये 1964 में शुरू हुआ था और 1966 के अंदर ये क्या हो गया था, आपका डिसॉल्व कर दिया गया था. मतलब ये इतने टाइम पीरियड तक आपका कमीशन था. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको फॉर्म किसने किया था. इट वॉज फॉर्म्ड बाय दौलत सिंह कोठारी ने इसको क्या किया था, फॉर्म किया था. इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि डीएस कोठारी ने इनको क्या किया है, फॉर्म किया है. और उस टाइम पे क्या होते थे, यूजीसी के चेयरमैन होते थे. अगर मैं दौलत सिंह कोठारी की बात करूं, 1964-66 का ये टाइम पीरियड है, उस टाइम पे वो यूजीसी के क्या थे, चेयरमैन थे. अभी चेयरमैन कौन है आप लोग आफ्टर द सेशन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. कोठारी कमीशन वॉज द 6th कमीशन इन इंडिया. देखो आपको पता 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ है, 48 के अंदर हमारा राधा कृष्ण कमीशन आ जाता है, और इस तरीके से अगर मैं बात करूं ये 6th कमीशन माना जाता है. बट अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एजुकेशन सेक्टर को डील करने की बात करूं तो ये पहला कमीशन है. इतना कॉम्प्रिहेंसिव से, जैसे अगर मैं राधा कृष्ण की बात करूं तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात किया था. तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूछा जाए तो यूजीसी में, सॉरी कोठारी कमीशन जो है वो आपका पहला कमीशन है. बट सीक्वेंशली अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो नॉर्मली आपका 6th कमीशन है. इसके अंदर कितने मेंबर्स थे, इट हैड ए कोर ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स. 20 मेंबर्स का क्या था, एक कोर ग्रुप था. और जब ये कमीशन बना इन्होंने बहुत सारे लोगों से, ठीक है, ओवरसीज जो कंसल्टेंट, बहुत सारे जगह से इन्होंने कंसल्टेशन लिया था, जो कि अपने एजुकेशन के स्पेसिफिक डोमेन के अंदर अपने आप में क्या थे, एक्सपर्ट्स थे.
और सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन स्पैन ऑफ 20 मंथ 21 मंथ 21 महीने के टाइम समय के दौरान कमीशन हैड इंटरव्यूड 9,000 पीपल को इंटरव्यू किया हु वर वर्किंग एज स्कॉलर एजुकेटर या साइंटिस्ट जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पर अपनी एक्सपर्टाइज रखते थे उनके इंटरव्यू लिए गए। अब इंटरव्यू जॉब के लिए नहीं थे, ये लोगों से एडवाइस लेने के लिए थे, कंसल्टेशन लेना था सो दैट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम अपनी चीजों को यहाँ पर प्रेजेंट कर पाए, हम अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर पाए। बातें क्लियर भाई? दोस्त वो आर ज्वाइंट लेट, जस्ट लाइक एंड शेयर द सेशन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोग खुद रियलाइज करेंगे जो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। जी रिपोर्ट किस सबमिट कब की गई थी? 1966 के अंदर किनको की गई थी? एम सी चावला, इंपॉर्टेंट नेम है जो आपका रिपोर्ट था। रिपोर्ट का नेम क्या था? एंड रिपोर्ट एजुकेशन एंड आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट एंड रिपोर्ट इसका नाम था। और ये जब उस टाइम पे प्राइम सॉरी मिनिस्टर होते थे एजुकेशन के एम सी चावला, उनको ये क्या की गई थी? सबमिट रिपोर्ट की गई थी। अब इसकी आते रिकमेंडेशन क्या क्या थी? रिकमेंडेशन की बात करें तो यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है स्टेटमेंट पे। सबसे पहला रिकमेंडेशन प्रोविजन ऑफ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। इन्होंने बोला जो 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन क्या की जाए दी जाए। 10+2+3 का जो सिस्टम है वो तो बात हुई हुई, इसी के साथ साथ इन्होंने 3 language formula की भी क्या की बात की। आपसे पूछा गया 3 language formula के रिगार्डिंग किसने बात किया, तो वो कोठारी कमीशन में क्या बोलता है 3 language formula, अडॉप्ट 3 language formula एट स्टेट लेवल, इंटेंट टू प्रमोट ए लैंग्वेज ऑफ द साउदर्न स्टेट इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। मतलब आप लोगों का यहाँ पर क्या था, सिर्फ ऐसा नहीं था कि इन्होंने क्या करना है हिंदी इंग्लिश को प्रमोट करना है, ये चाहते थे हिंदी भी हो इंग्लिश भी हो और आपका रीजनल लैंग्वेज भी हो। अब जैसे कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है लेट सपोज, तो वहां पर रीजनल लैंग्वेज है और उनको हिंदी के बारे में भी क्या हो नॉलेज हो। दैट्स वाई ओवरऑल क्या बोला गया 3 language formula की यहाँ पे बात की गई। उसी के साथ साथ इन्होंने रिकमेंड क्या किया, प्रमोट करो रीजनल लैंग्वेज को संस्कृत एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेज प्रेफरेबली इंग्लिश। बात क्लियर हुआ? उसी के साथ साथ इन्होंने क्या बोला था कि गर्ल्स एजुकेशन है या बैकवर्ड क्लास एजुकेशन है, ट्राइबल पीपल की एजुकेशन है या फिजिकली या किसी वजह से जो रिटार्ड बच्चा है या हैंडीकैप चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन को भी क्या किया जाए प्रमोट किया जाए। उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल पे पोस्ट ग्रेजुएट पे रिसर्च ट्रेनिंग या एडवोकेट लाइब्रेरी है, सारी जो रिकमेंडेशन है वो किन्होंने की थी आपकी कोठारी कमीशन में। देखिए क्वेश्चन आता है ये लगा लीजिए ऐसा कोई रिकमेंडेशन, इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर ये चीजें निकल के आई थी, इससे ज्यादा किसी ने भी ये चीजें काम नहीं किया था किसी भी कमीशन में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो 1968 के अंदर आपकी पॉलिसी आई थी, पहली पॉलिसी जिसको बोला जाता है हमारी एजुकेशन की, तो वो आपकी क्या आई थी ऑन द बेसिस ऑफ योर कोठारी कमीशन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है इसके रिजल्ट क्या निकले थे, 10+2+3 पैटर्न था कोठारी कमीशन ने निकाला है ये चीज, उसके बाद 1968 में पॉलिसी आई, उसके बाद 1986 के अंदर आती है, ठीक है आपकी 68 में आया, फिर 86 के अंदर आता है, फिर 92 में प्लान जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। तो इस तरीके से ये लगा लीजिए अलग अलग चीजें कंकरेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन को शामिल कर लिया गया था, तो ये अलग अलग सारी चीजें क्या आई थी आपकी वर्क की थी और बहुत अमेजिंग तरीके से इस पर्टिकुलर कमीशन ने काम किया था। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए भी टेलीग्राम चैनल सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपका रीसेंट ईयर में क्वेश्चन आया था, बहुत इंटरनल क्वेश्चन था ये और डीप में था ये क्वेश्चन, रिपोर्ट से पूछा था और शायद पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था। विच कमीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एक्सप्रेस्ड द ओपिनियन दैट टू अवॉइड फैमिनी इन द कंट्री, कि भारत में अकाल से बचने के लिए अगले 15 सालों में खाद्य उत्पादन दोगुना करना और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि को बरकरार रखना होगा, कोठारी, नेशनल एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्ण और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसके मल्टीपल आंसर थे, इसके मल्टीपल आंसर थे, वेरी गुड। वेरी गुड। सो कोठारी कमीशन को ही क्या बोला जाता है एजुकेशन कमीशन के नाम से भी,
एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोठारी कमीशन को ऑफिशियली क्या बोला जाता है, एजुकेशन एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 भी बोला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था जब हमारे पास ये लगा लीजिए ये क्वेश्चन निकल के आया था, ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन सेम ही बात है। तो यहाँ पर 64 को देख के हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे कि मैम इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है नेशन एजुकेशन कमीशन, नेशन एजुकेशन कमीशन नहीं था ये, दैट्स वाई ये क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, और आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, कोठारी कमीशन। अदरवाइज हम जैसे ही लास्ट को देखते हैं तो हम लोग इसी चीज पे गए थे, इवन मतलब सभी का ध्यान इसी चीज पे गया था कि 1964 है और वो भी आपका, दैट्स वाई ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, दोनों ऑप्शन है बट इसका कोठारी कमीशन बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 32nd है। कोठारी कमीशन रिकमेंड ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ 10+2+3, क्या ये बात सही है, या फिर एनकेसी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2005 बाय रेस्ट वाइल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैंने रिसेंट में ही हायर एजुकेशन में आपको एनकेसी का टॉपिक करवाया है, तो बताइए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वट विल बी द करेक्ट आंसर, कोठारी कमीशन ने क्या 10+2+3 को रिकमेंड किया था, ये हमने आज ही डिस्कस किया है। वेरी गुड, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल और ये मेरा फैकल्टी कोड है अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट। चलिए, सो कोठारी कमीशन ने ही 10+2+3 को क्या किया था, रिकमेंड किया था, और एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन आपका 2005 में आया था, और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वेरी गुड, यस, सो करेक्ट आंसर, दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी आ जाएगा, दौलत सिंह कोठारी बोले, अदरवाइज तो डीएस कोठारी के नाम से ज्यादा फेमस है, डीएस कोठारी आपको ऑप्शंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम शुड बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली बेस्ड ऑन रिसर्च, अनुसंधान के आधार पर पाठ्यचर्या को समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए, किसका सुझाव है, कोठारी, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, ईश्वरी भाई पटेल कमेटी, और यूनेस्को प्लानिंग मिशन एक्सपर्ट, ये किनका सजेशन था। आई नो आप लोग यही सोचेंगे कि आज हमने कोठारी कमीशन किया है, तो मोस्टली हमारे पास जो सेशंस रहेंगे, सॉरी मोस्टली जो ऑप्शंस रहेंगे वो बेसिकली कोठारी से रिलेटेड ही हैं। गुड, जी हाँ, सो करेक्ट आंसर कोठारी कमीशन, करिकुलम आपका रिवाइज होना चाहिए पीरियोडिकली रिसर्च के बिहाफ पे, तो ये किन्होंने सजेस्ट किया था, कोठारी जी ने ही किया था, कोठारी कमीशन ने। देखो जब भी आप ब्लैंक बैठे हैं ना, ये ऐसा कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बट आपको अगर कुछ भी नहीं पता, ऑप्शन एलिमिनेशन पे नहीं है, आपको टॉपिक भी याद नहीं आया, और सामने कहीं पे कोठारी कमीशन बैठा है, तो बेशक आप उस पर मार्क कर देना, मतलब 99% चांसेस है आप लोगों को कोठारी कमीशन मिलेगा जब ऐसे रिकमेंडेशन की बात किया है। इट्स नॉट ए शॉर्टकट, ये जस्ट उस स्टेज पे मैंने बताया है, अगर आप लोग बिल्कुल ब्लैंक बैठे और किसी भी ऑप्शन के साथ जाने के लिए रेडी नहीं है, राइट। डैश सजेस्टेड द कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, डैश ने सतत शिक्षा का सुझाव दिया, मुदालियर और चड्ढा, कोठारी, बोर कमेटी। कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन का सुझाव किसने दिया, मुदालियर कमीशन, चड्ढा आयोग कमीशन, और कोठारी कमीशन, और भोरे समिति ने। वेरी गुड,
Yes, it was a Kothari Commission. Yes. Now the next question is, the Kothari Commission report was entitled on Kothari Ayog की report किस पर आधारित थी? Education and national development, learning to be adventure, diversification of education और education and socialization in a democracy. हाँ, so ये आप लोगों का रहेगा homework question, ठीक है? ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन. सो डियर लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. तो यहाँ पर अभी आंसर मत करिएगा, इसका आंसर आप लोगों को करना है आफ्टर द सेशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट? तो होमवर्क है ये, सभी को बताना है कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या टाइटल दिया गया था. और बहुत ईजी क्वेश्चन, आज ही सेशन में मैंने आपको डिस्कस भी किया, निमोनिक भी बताया है. सो आई होप सेशन इज इन्फॉर्मेटिव. डू लाइक एंड शेयर द सेशन. बाकी आज शाम को ऐप का सेशन नहीं होगा 7 बजे, तो आप बाकी प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज कर लीजिए, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, एंड उसी के साथ साथ इसको लाइक शेयर खूब करना, ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसका पार्ट बन पाए. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर.